राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डर रहे यार तुम लोग तो बहुत डर। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका सातवें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसको उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी के बने उस पार्टी के बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। पार्टियां इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इम्पॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है,
किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए, सब लोगों को डरा के रखा, जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है।